हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 15 अक्टूबर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोज देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर सौरभ मलिक सर्च कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। और बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि जितने भी मैंने रीजनिंग की और मैथ की वीडियोस अपलोड की है और जो क्रैश कोर्स मैंने बनाया था 15 वीडियोस का, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपने वो 15 वीडियो का क्रैश कोर्स नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं अगर आपका अभी एग्जाम होने में 2-4 दिन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर। देखिए ऑलरेडी ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है और इसका राइट आंसर हो जाएगा AR रहमान। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आगे भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उबर, तो उबर के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर आपका विराट कोहली राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन किस ग्रुप में आता है, इसका राइट आंसर आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, नाइक्रोम इज ए मिक्सचर ऑफ क्रोमियम 20% और निकल इसका 80% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम और निकल का ये मिक्सचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, फर्स्ट इंडियन वुमेन रीच माउंट एवरेस्ट बिशेंद्री पाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया 2017 से रिलेटेड कोई प्रश्न था तो इसको आप देख लीजिएगा। देखिए टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन तो एग्जैक्ट फॉर्म में मतलब रिपीट हो सकता है बट ज़्यादा चांस नहीं है, बट टॉपिक रिपीट हो सकता है, ये पूरे पूरे चांसेज हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, ये भारत में होगा राइट आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, और यही शायद वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो ऊपर मैं बोल रहा था कि वर्ल्ड कप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो यही वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, पद्मावत मूवी के एक्टर यहाँ पे पूछे गए थे तो रणवीर सिंह, सभी को पता है ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। और एक्ट्रेस कौन है, हीरोइन कौन है, ये आपकी दीपिका पादुकोण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उत्तराखंड की राजधानी पूछी गई थी, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, तो देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, BCCI के चेयरमैन यहाँ पे पूछे गए थे तो विनोद राय राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछे गए थे CEO ऑफ एक्सिस बैंक, तो अमिताभ चौधरी राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी नए बने हैं तो इनको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी भी आपका रिपीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 का ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा, ये आपका पेरिस में खेला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसका, इसको भी ये क्वेश्चन भी रिपीट आपका हो सकता है। ममता बनर्जी किस पार्टी से संबंधित है, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो सकता है, नया क्वेश्चन आया है। चलिए अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, और फिर बात करेंगे मैथ के और फिर टॉपिक भी डिस्कस करेंगे किस किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन था कि मैट कैट और वैन, देखिए मैट कैट वैन तीनों के तीनों अलग अलग चीज़ें हैं तो इनका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से ही बनेगा। जैसे क्वेश्चन भेजा गया था वैसे मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका कि कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, तो आपका देखिए आपने क्या बनाया, एक वेन डायग्राम बनाया, सिलोगिज्म वाला एक क्वेश्चन है और वेन डायग्राम, और आपका एक हो गया स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि कथन निष्कर्ष। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इन पे तो ध्यान आपको देना ही देना है। तो यहाँ पे बोला गया है कुछ कुर्सियाँ लकड़ी की बनी हैं, तो कुर्सियाँ आपकी किसकी बनी है, लकड़ी की बनी है, तो इस तरीके से आपने बना दिया। फिर बोला गया कुछ मेज़ें लकड़ी की बनी है, तो मेज़ें भी आपने देखे मेज़ को हल्का सा कट लगा के बनाया, यानी कि लकड़ी की मेज़ भी बनी है कुछ, और कुछ आपके कुछ कुर्सी बनी है और कुछ मेज़ बनी है। बट यहाँ पे सबसे पहला जो बोला गया है कंक्लूजन आपका, सभी लकड़ी की बनी चीज़ें, सभी यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सभी लकड़ी की बनी चीज़ें या तो कुर्सी होती हैं या मेज, तो यहाँ पे जो सभी वाला कंडीशन आ गई ये वाला रोंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे आता है कुछ लकड़ी की बनी चीज़ें कुर्सी होती हैं या कुछ मेज होती हैं तो ये आपका राइट हो सकता था, बट सभी वाला कंडीशन रोंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बोला गया कुछ मेज़ें लकड़ी की बनी हैं, तो मेज़ें और लकड़ी की बनी है सॉरी, तो ये तो आपका राइट हो जाएगा ना। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ मेज़ें, देखिए मेज़ें और लकड़ी के बीच में रिलेशन है, तो कुछ मेज़ें लकड़ी की बनी है तो बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
सॉरी सॉरी, हाँ देखिए मैंने आपको ये गलती से ये हो गया, कुछ मेज़ें लकड़ी की बनी है, यहाँ पे बिल्कुल ये यही आपका दे रखा है ऊपर और ये दे दिया नीचे, तो जो भी आपका स्टेटमेंट होता है वो कंक्लूजन कभी नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ये रोंग इसलिए है, ठीक है ये दोनों ही रोंग है भाई, तो इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, कुछ मेज़ें लकड़ी की बनी है, तो कुछ मेज़ें लकड़ी की बनी है इन्होंने एज इट इज़ बिल्कुल नीचे दे दिया है ये स्टेटमेंट ही आपका, तो इसलिए कंक्लूजन नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों ही रोंग होंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है चलिए, एक देखिए इस तरीके से फिगर का कोई क्वेश्चन था सॉरी, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या था, देखिए पूरी की पूरी फिगर तो एग्जैक्ट नहीं पता है, बट जितनी भी पता है मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि एक आपका गोला था, गोले में इस तरीके से आपका मतलब आधा त्रिभुज बना हुआ था, ठीक है, और उसमें आपका एक पूरा मतलब ये छोटा त्रिभुज था, उसमें एक ये एरो का साइन बना हुआ था। बस यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि उसमें चेंज क्या था, सब कुछ सही था मतलब एक डायरेक्शन में था, बट यहाँ पे देखिए जब भी एरो लग रहा है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, जो त्रिभुज का ये वाला पार्ट है ये वाला ऊपर इसमें लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका देखा जाए और त्रिभुज का कौन सा पार्ट ये अगर आप देखें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझाना पड़ेगा, पहले ये वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये वाला, ठीक है ये वाला, इसमें आपका त्रिभुज का ये वाला पोर्शन है, ये वाला इस मतलब जिस डायरेक्शन में ये एरो का साइन है उस पे ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है ये वाली आप देख रहे होंगे ये वाली, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस डायरेक्शन में ये एरो है उसी डायरेक्शन में आपका त्रिभुज का ये बना हुआ है, तो इसलिए यही भिन्न हो जाएगा, और इसमें पूछा था कि ओड वन आउट इनमें से कौन सा है। ठीक है चलिए, एक क्वेश्चन था आपका 1 जुलाई 2018 को कौन सा दिन था, तो 1 जुलाई 2018 को कौन सा दिन था, मैंने आपको बता रखी एक ट्रिक, यहाँ पे देखिए सबसे पहले डे मंथ ईयर और लीप ईयर सभी को प्लस करिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। डे कितना है 1 है, ठीक है, जुलाई के लिए कोड क्या होगा यूज, 6 होगा, मैंने आपको पहले सारे कोड बता रखे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे कोड की पीडीएफ भी अपलोड है, तो सभी मंथ के कोड वहाँ पे अवेलेबल है, तो पीडीएफ लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक होगा आपका टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर ईयर यहाँ पे हम 100 में लेंगे तो 118 ईयर हो जाएंगे, 118 को आप डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो यहाँ पे आपका 29 आ जाएगा, यानी कि लीप ईयर कितने हो गए 29 हो जाएंगे, इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना 154 और 7 से भाग कर देंगे तो ये कंप्लीट 22 टाइम जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 0 रिमाइंडर बचता है, तो 0 रिमाइंडर का मतलब होता है आपका आंसर संडे हो जाएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे दिया गया कथन, क्या कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठने में छूट दी जानी चाहिए, यानी कि क्या कक्षा के जो 5वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी हैं प्रत्येक वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठने में छूट देनी चाहिए, तो इसमें आपको आंसर क्या बताना है ये देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन है। हाँ, इससे माता पिता का बोझ कम होगा, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, और वैसे भी इसका कथन से कोई मतलब नहीं है, माता पिता का बोझ होना कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे पूछा है कि छूट दी जानी चाहिए, मतलब एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दूसरे वाले में दिया गया नहीं, वर्ष भर नियंत्रण प्रयास के आधार पर शिक्षकों को ऐसे विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऐसा करना नहीं चाहिए, तो ये एक आपका बिल्कुल सही मतलब सटीक वैलिड रीजन भी है इसके साथ में, ठीक है, नहीं के साथ में, यहाँ पे हाँ के साथ में वैलिड रीजन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज से सीरीज है 6, 16, 40, 92, 200, 420, 864, तो आप देख रहे होंगे बड़ी तेज़ी से इंक्रीज हुई है सीरीज, जब भी बहुत स्पीड से या तेज़ी से इंक्रीज होती है कोई भी सीरीज तो उसमें क्या चलता है भाई, उसमें मल्टीप्लाई मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर स्क्वायर चलेगा क्यूब चलेगा तो आप उसको एकदम पॉइंट आउट कर लेंगे कि ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है या फिर किसी न किसी संख्या का क्यूब है, बट यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई 2 की हुई प्लस 4 किया तो 16 बन गया, इसमें मल्टीप्लाई 2 की हुई प्लस 8 किया तो आपका 40 हो गया, फिर इसमें मल्टीप्लाई 2 की 12 प्लस हो गया, इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 प्लस होता जा रहा है, 8 में प्लस 4 करेंगे 12, 12 में प्लस 4 करेंगे 16, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस करेंगे 200 में मल्टीप्लाई 2 प्लस 420 में मल्टीप्लाई 2 प्लस 24, ठीक है, तो 864, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 92 राइट आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपका हो गया एनालॉगी से, तो एनालॉगी में पूछा गया था AFKP,
नेक्स्ट आपका लिखा था BLR, तो अगर इसका रिलेशन इसके साथ में है तो इसका रिलेशन नेक्स्ट आपका किसके साथ में होगा, वही रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, देखिए अगर आप सीधा सीधा देखें तो A और B लिखा है यानी कि प्लस वन है, F और आपका H लिखा है यानी कि प्लस टू है, K और L लिखा है आपका प्लस वन है, P और R लिखा है आपका प्लस टू है। तो इसी तरीके से CHMR में भी आप प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू करेंगे तो प्लस वन D प्लस टू J प्लस वन N प्लस टू T, तो डी जे एन टी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका देखिए डायरेक्शन से था, अब डायरेक्शन से एग्जैक्ट क्वेश्चन तो शायद ये नहीं मिल पाया, बट जैसे जैसे बच्चे ने बताया मैंने आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बोला था कि 4 किलोमीटर पूर्व की डायरेक्शन में चलता है कोई ए बी जो भी होगा, ठीक है वो 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है फिर वो दाएं मुड़ जाता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है 4 किलोमीटर चलता है। ये तो अब ये पूछा गया होगा कि वो घर से कितनी दूरी पर है, तो अभी देख लीजिए इनके बीच के डिफरेंस 3 किलोमीटर, या फिर डायरेक्शन पूछी गई होगी तो डायरेक्शन में वो पश्चिम में है, ठीक है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना तो पश्चिम डायरेक्शन में है, तो यही दो आपके राइट आंसर इसमें हो सकते हैं। मतलब बोलने की बात यह है कि आपके डायरेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो देख के जाइएगा एक बार हल्का सा, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक्चुअल में ब्लड रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल नहीं पाए, देखता हूँ अगर थर्ड शिफ्ट में मिल जाए तो आपको डिस्कस आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा गले में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ इसलिए वीडियो भी कम छोटी बनानी पड़ रही है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है मैथ के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ए आपका ए पाइप जो है वो किसी टंकी को 12 घंटे में भर लेता है, बी पाइप 15 घंटे में भर लेता है, तो बोला गया दोनों नल आधी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। आधी टंकी की बात की जा रही है, बट हम सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम फुल टंकी से ही करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे सॉरी दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा आपका 60। अब 60 है वो आपका क्या है, टोटल यूनिट यानी कि टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की टोटल कैपेसिटी आ गई यानी कि उस टैंक में 60 यूनिट पानी आ सकता है, तो 60 को हम 12 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 5, यानी कि यहाँ पे 60 को 12 से भाग करने पर 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि टोटल जो ये 60 यूनिट है ना, ए भरने में से 12 यूनिट 12 घंटे लेता है और एक घंटे में 5 यूनिट भरता है, 60 को 15 से भाग करेंगे तो बी एक घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, दोनों मिलके एक घंटे में 9 यूनिट पानी भर सकते हैं। बट यहाँ पे बोला गया आधी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे दोनों के दोनों अगर खोले जाए, तो इसका आधा कर लीजिए 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, ये 30 आ जाएगा, यानी कि 30 यूनिट भरने में कितना समय लेंगे, तो 30 को आप किससे डिवाइड करेंगे 9 से, तो 3 टाइम कंप्लीट जाएगा, तो 3 कंप्लीट 3/9 हो जाएगा यानी कि 3 कंप्लीट 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है CI से, CI में बोला जा रहा है प्रिंसिपल है 20,000, रेट दे रखा है 12%, टाइम दे रखा है 2 ईयर का, और CI और या फिर अमाउंट आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो CI मेरे हिसाब से अमाउंट पूछी गई होगी क्योंकि CI तो इसका बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो 20,000 का आप निकालिए 12% तो कितना आ गया 2400। यहाँ पे 2400 ये है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है पहले साल में यहाँ 2400 इंटरेस्ट आ गया, फिर दूसरे साल में क्या होगा CI में, देखिए CI और SI में दोनों में फर्स्ट ईयर में तो इंटरेस्ट सेम रहता है क्योंकि जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा वो दूसरे साल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 2400 का आप निकालेंगे 12% तो क्या होगा 288, तो यहाँ पे क्या आ गया 288, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2688 हो जाएगा, तो CI तो ये आ गया। अगर आपका आंसर पूछा होगा CI तो 2688 हो जाएगा, अगर पूछा होगा अमाउंट यानी कि मिश्र धन हिंदी में बोले तो ये होता है प्रिंसिपल प्लस CI यानी कि इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को यानी कि मूलधन को दोनों को प्लस कर देते हैं तो वो आपका अमाउंट बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो 20 और 2688 को हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 22,688, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि 800 मजदूर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, अगर 12 दिन बाद 80 मजदूर काम छोड़कर चले जाएं तो काम कितने दिन में होगा, तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना होगा। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ, 800 मजदूर किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं तो वो टोटल काम है कितना जिस काम को वो कर लेते हैं, भाई टोटल काम होगा वो 800 आदमी 30 दिन में करते हैं यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा 800 × 30। ठीक है भाई, किसी काम को अगर मैं 30 दिन में कर लेता हूँ तो मैं टोटल कार्य कितना करता होगा, मैं अकेला बंदा हूँ तो 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यानी कि वो 30 यूनिट काम होगा और मैं उसे 30 दिन में करता हूँ, एक दिन में एक यूनिट काम करता हूँ। अब यहाँ पे ये 800 आदमी 30 दिन में काम करते हैं तो टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा 800 × 30। अब यहाँ पे बोला गया है अगर 12 दिन बाद 80 मजदूर काम छोड़कर चले जाएं, यानी कि 12 दिन तक तो
आठ, सभी ने साथ में काम किया होगा, तो 800 गुणा 12 करेंगे और माइनस कर लेंगे 800 गुणा 30 में से। अब इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 800 800 को कॉमन रखेंगे इसमें से इसको सॉरी देखिए भाई थोड़ी सी गले में मेरी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा इन्फेक्शन है तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, ज़्यादा बोलता हूँ तो फिर मतलब मेरी खांसी उठ जाती है, ठीक है। तो अब कहाँ पे थे हम, यहाँ पे ये टोटल वर्क हो गया आपका, और 800 गुणा 12 यानी कि जो वर्क 12 दिन तक करेंगे, यानी कि 800 के 800 मजदूर 12 दिन तक तो वर्क करेंगे, तो इस टोटल वर्क में से 800 माइनस 800 गुणा 12 हम माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना। अब हम मैंने बताया था आपको कि डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई माइनस करके माइनस नहीं करना है, 800 को 800 यहाँ पे रखिए, 30 में से 12 माइनस करिए 18, यानी कि 18 गुणा 800 आपका रिमेनिंग वर्क बच जाएगा। अब ये वर्क किससे कराना है, 80 आदमी छोड़ के चले गए तो बचे कितने 720, 800 में से 80 जाएंगे तो 720 बचेंगे ना, तो ये 800 गुणा 18 ये 720 आदमी करेंगे इस वर्क को, जो ये रिमेनिंग वर्क है, तो ये इसको 20 दिन में कर लेंगे, 18 से 72 जाएगा, 0 से 0 का जाएगा 4 बार, 4 से 80 जाएगा 2 बार, यानी कि ये 20 दिन में इस कार्य को कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे एज से भी था, ए और बी, देखिए ये रेशो हो गया इनकी एज का प्रेजेंट में, 6 साल बाद ए की एज 26 वर्ष है, तो यहाँ पे बी की प्रेजेंट एज वर्तमान एज पूछी गई है, तो मैं क्या करूँगा इस 26 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूँ तो ए की मुझे प्रेजेंट एज पता चल जाएगी, तो मैंने इसमें 26 में से माइनस किया तो बचा 20, यानी कि ए का प्रेजेंट रेशो मुझे पता है 4 है और ए की एज भी मुझे पता है प्रेजेंट में कितनी है 20 साल है, तो बी की प्रेजेंट एज निकालना आसान हो गया। तो क्या करेंगे 20 को 4 से भाग करेंगे और गुणा कर देंगे 3 से, क्योंकि बी का तो प्रेजेंट जो रेशो है वो 3 है, तो 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, गुणा करेंगे 3 से, तो 4 से 20 को कट करेंगे 5 टाइम 5 की 3 में करेंगे तो 15 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं टॉपिक्स की, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वही आपका टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया। अभी अगर मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ में आपका बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब लिमिटेड टॉपिक नहीं है, एक एक दो दो क्वेश्चन सभी से ही पूछ ले जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से पैटर्न है आपका मैथ का। तो सारे चैप्टर आपको थोड़े थोड़े आने चाहिए, किसी भी चैप्टर से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। एवरेज, परसेंटेज, मैंसुरेशन, स्क्वायर रूट, एचसीएफ, एलसीएम से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ट्रेन, परसेंटेज, एज आपका हो गया, डीआई से 2 क्वेश्चन थे, एसआईसीआई से भी आपके क्वेश्चंस थे, तो इन्हें आप देख के जाइएगा। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में तो आपका ये ही मतलब फिक्स चैप्टर हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाने हैं। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन, एसलोगिज, वेन डायग्राम, आपका मिरर, वाटर इमेज हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉगी हो गया, तो ये क्वेश्चन है एक बार इनको, सॉरी ये टॉपिक्स हैं इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, बस आपको क्या काम करना है, टॉपिक स्टडी का जो टेलीग्राम है, यानी कि टेलीग्राम पे सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी, तो वहाँ पे आपका ये आ जाएगा और इसको ज्वाइन करके वहाँ पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, सॉरी सारी पीडीएफ देख सकते हैं और डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।